हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए मोशन इन वन डायमेंशन का वीडियो नंबर 3 लेकर आया हूं। इसमें मैं आप लोग को स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिटेल्स में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है स्पीड। तो समझते हैं कि स्पीड क्या होता है। अब मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलकर यहाँ जाता है, सीधा ही जा रहा है। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जब आगे बढ़ा तो डी डिस्टेंस आगे बढ़ा, डी डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा, और मान लेते हैं इसको जाने में जो टाइम लगा वो टी सेकंड लगा। तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि टी सेकंड में डी डिस्टेंस गया तो वन सेकंड में कितना जाएगा, डी से ज़्यादा या कम, तो कम जाएगा। मान लीजिए 5 सेकंड में 10 मीटर गया तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, 10 मीटर से कम। कम के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं, मैथ में पढ़े हैं, यहाँ पर हम लोग टी लिख देंगे। तो इस तरीके से 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है इसी को हम लोग कहते हैं स्पीड। तो कह सकते हैं कि यहाँ डिफिनेशन होगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड स्पीड। 1 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसका हम लोग स्पीड कहते हैं। अब 1 सेकंड के जगह यूनिट टाइम इंटरवल भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ टाइम इंटरवल की जिक्र होती है, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा कि टाइम इंटरवल और टाइम में क्या फर्क पड़ेगा आपको। दूसरी बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जिक्र हुआ है तो डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, यानी रोड पर अगर हम लोग चलते हैं तो चलने का तो कोई डायरेक्शन निश्चित होता नहीं है, डायरेक्शन तो बदलते रहता है, भले ही मैग्नीट्यूड हम लोग का फिक्स है। तो इस प्रकार से स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है, स्पीड इस तरीके से स्केलर क्वांटिटी होता है। अगली बात हम लोग चले फॉर्मूला की बात, तो स्पीड इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। बच्चों अब एक बात ध्यान दें, चेंज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं मैथ में, तो चेंज इन डिस्टेंस यानी डी, चेंज इन टाइम यानी डेल्टा टी, टाइम कितना चेंज हुआ और उस दरमियान में कितना डिस्टेंस चेंज हुआ, तो इन दोनों का या सिंपली हम लोग डी बाई टी भी लिख सकते हैं। इसके बाद आइए एसआई यूनिट इज, अब देखिए कभी भी आपको एसआई यूनिट या कोई भी यूनिट निकालना हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का तो आप उसका फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस का यूनिट लिखिए और टाइम का यूनिट लिखिए, आपका आ जाएगा। तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इसका सीजीएस यूनिट की बात अगर करें तो सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर, डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर और टाइम का होता है सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। एक और इम्पोर्टेंट बात है जो बुक में एक जगह छोटा सा लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में कि स्पीड मेजर करने वाला डिवाइस का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस विच मेजर्स द स्पीड, इट इज कॉल्ड द स्पीडोमीटर। देन वी कैन से दैट स्पीडोमीटर मेजर्स द स्पीड, स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करता है। गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है, हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसमें स्पीडोमीटर है जो हम लोग के स्पीड को मेजर करता है। तो इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस का पहला पॉइंट पार किए, पहला स्टेप पार किए। इसमें अभी और भी बातें हैं, ये तो डिस्टेंस में मोटी मोटी बात है, डिस्टेंस का स्पीड का डिफिनेशन है, स्पीड किस प्रकार की क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला है, फिर ऐसा यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, और इसको स्पीडोमीटर से मेजर करते हैं, इतनी बातें हैं। अब जरा इसके बारे में मैं चर्चा करूं कि इसका क्या मतलब था। आप मान लेते हैं सपोज दैट आप यहां पर ऐसे देखें, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा लेते हैं। आप ऐसे समझे कि कोई ऑब्जर्वर यहां पर बैठा हुआ है, आप ऐसे जा रहे हैं, कोई ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है, ये आपका ऑब्जर्वर है, और आप यहां से चलना शुरू किए और यहां से चलते चलते आप यहां चले गए, ए से आप जाते जाते बी तक चले गए,
यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर है, आप ए से बी तक चले गए। अब यहाँ से मान लेते हैं कि यह डिस्टेंस डी वन है और यहाँ से ए डिस्टेंस हम लोग का डी टू है, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए से बी, ये कैसे आएगा, तो डी टू माइनस डी वन, डी टू माइनस डी वन। इसलिए मैं वहाँ पर चेंज इन डिस्टेंस का जिक्र कर रहा था। और उसी तरीके से आपके पास घड़ी होगा, घड़ी में मान लेते हैं कि आप लोग का 10 बज रहा है और जो टाइम आपने रिकॉर्ड किया 10 बजे यहाँ से चलना शुरू किया, मान ले कि यहाँ जाते जाते 10:10 हो गया, आपने घड़ी को स्टॉप कर दिया, तो आपका टाइम इंटरवल कितना हुआ, 10 में से 10 माइनस कर ले यानी 10 मिनट आपका टाइम इंटरवल हुआ। इसलिए यहाँ पर कभी भी जिक्र होगा तो टाइम, जहाँ भी फिजिक्स में टाइम कहा जा रहा है वो टाइम इंटरवल का जिक्र हो रहा है, अदरवाइज आप पॉइंट ऑफ टाइम भी समझ सकते हैं। जैसे हम 10 बजे का जिक्र किया तो आप 10 बजे भी इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन 10 बजे का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं एक टाइम इंटरवल 10 और 10 के बीच का जो डिफरेंस है मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ, यानी 10 मिनट का मैं जिक्र कर रहा हूँ। इसलिए नीचे बहुत क्रिटिकल बात है कि इसका मतलब टाइम इंटरवल होता है, यहीं पर बच्चे कभी कभी कन्फ्यूज करते हैं, हम आगे क्वेश्चन भी आपको इस पर लेकर दिखाएंगे कि कैसे उसमें कन्फ्यूजन आएगा आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्पिन, टाइप्स ऑफ स्पिन। तो देर आर फोर टाइप्स ऑफ स्पिन, देर आर फोर टाइप्स ऑफ स्पिन विच वी हैव टू स्टडी हियर। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टेंट स्पीड, इट इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट स्पीड। सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। तीसरी बात अगर हम देखें तो एवरेज स्पीड, और चौथा है हम लोग के पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से चार स्पीड का जिक्र मैं यहां पर कर रहा हूं, पहला है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरेज स्पीड भी हम लोग को पढ़ना है, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, एक क्लास अलेवन में है, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं उसके बारे में जिक्र करूंगा क्लास नाइन में क्या पूछा जाता है इससे, ऐसे ही पूरा सिलेबस अलेवन का है। अब शुरू करते हैं, ठीक है, हम लोग एवरेज, सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड का चर्चा कर लेते हैं क्या होता है कि। अब देखिए, अब मैं एक सिचुएशन मानता हूँ कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया और यहाँ तक चला जाता है, ठीक है, ए से चलना शुरू करता है और ए बी तक चला जाता है। मान लेते हैं कि ए से एक पहला डिस्टेंस जो जाता है, यहाँ बी ले लेते हैं इसको टाइम, और ए सपोज दैट कि 10 मीटर जाता है और इसको 1 सेकंड टाइम लगता है, यानी जब टाइम 1 सेकंड है तब यहाँ पर है। बी सी पर जाता है, ए भी 10 मीटर का डिस्टेंस है, ए भी टाइम इंटरवल 1 सेकंड का ही है, टाइम इंटरवल 1 सेकंड का है। फिर ऑब्जेक्ट जाता है यहाँ डी पर, ए भी 10 मीटर जाता है और टाइम इंटरवल 1 सेकंड का होता है। तो इस तरीके से आगे और बढ़े, माने कि यहाँ पर ई पर आता है, ए भी 10 मीटर जाता है और टाइम इंटरवल 1 सेकंड होता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं बच्चों कि ऑब्जेक्ट आगे तो चल रही है, बड़ी आगे तो चल रही है, लेकिन ए हर इक्वल टाइम इंटरवल में, यानी 1 सेकंड टाइम इंटरवल यहाँ पर क्या है, इक्वल है, हर इक्वल टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट 10 मीटर जा रहा है। यानी अगर टाइम इंटरवल इक्वल हमने रखा है तो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो भी इक्वल है। तो हमारे कहने का मतलब कि इक्वल टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, सच टाइप ऑफ स्पीड इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म स्पीड।
यही स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है। कहने का मतलब अब हम लोग डेफिनेशन पर आते हैं, बात तो समझ गए क्या हुआ कि वेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन ईच इक्वल टाइम इंटरवल देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म स्पीड। ये लिख लेना है, वेन द बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन ईच इक्वल टाइम इंटरवल देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, तब इसका स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाएगा। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल टाइम इंटरवल में, व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन ईच इक्वल टाइम इंटरवल, जितना टाइम इंटरवल है आप छोटा से छोटा टाइम इंटरवल ले लें, बराबर ले, इक्वल ले, और उस इक्वल टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का स्पीड यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, ये तो हम लोग का डिफिनेशन हो गया। यहाँ से एक नई चीज शुरू होगी, ग्राफ। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि व्हाट इज ग्राफ, ग्राफ किसको कहते हैं। ग्राफ तो मैथ में बनाते रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राफ क्या है, कभी ये बात समझने का प्रयास किया आपने? नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने घटनाएं होती है, हम जानते भी हैं, लेकिन वो क्या है उसे समझने का प्रयास नहीं करते। जैसे अब आप देखिए, मान लेते हैं कि आपको यहाँ पर क्या है ग्राफ का डिफिनेशन, कि ग्राफ इज द लाइन विच रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ग्राफ वो लाइन है जो दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन बताता है। जैसे आप क्लास 8 का मैथ ही पढ़ते होंगे तो वहाँ आपको एक्स और वाई का ग्राफ खींचना रहता था, जो ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको आता था, ऐसे आपने ग्राफ बनाया है, आप कुछ ग्राफ ऐसे आता है, कुछ ग्राफ ऐसे आता है, तो ये लाइन है, ये लाइन को ही ग्राफ कहते हैं, और यह लाइन एक्स और वाई के बीच का रिलेशन हमें बताता है कि एक्स और वाई, एक्स अगर वैरी करेगा तो वाई किस तरीके से वैरी करता है। तो ये मैथ का टॉपिक है, इसकी चर्चा मैथ में होगी। अब हम लोग यहाँ पर आकर समझने का प्रयास करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बने। तो ग्राफ बनाने का बहुत आसान तरीका है, हम लोग ग्राफ पेपर ले लेंगे, ऐसे ऐसे ले लेते हैं, ये हमारा ओ एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओ वाई एक्सिस है, ए एक्सिस मेरा टाइम है, टाइम एक्सिस है, यह एक्सिस मेरा डिस्टेंस का एक्सिस है, इसको पोजीशन भी कहा जाता है, डिस्टेंस या पोजीशन। किसी किसी बुक में डिस्टेंस टाइम ग्राफ, किसी किसी बुक में पोजीशन टाइम ग्राफ इसको कहा जाता है। अब टाइम जो मेरा है वो सेकंड में है, ए मेरा मीटर में है। अब हम 0, 1, 2, 3, 4 ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 10, 20, 30, 40। ठीक है, अब देखिए जब टाइम 0 है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ए पर है, यानी वो 0 पर है, यानी मेरा पहला पॉइंट तो यही आएगा, ए हुआ। दूसरा देखिए, जब ऑब्जेक्ट बी पर पहुंचा तो टाइम 1 सेकंड हुआ और डिस्टेंस 10 मीटर हुआ, यानी जब टाइम 1 सेकंड है तो डिस्टेंस 10 मीटर है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। आगे बढ़िए, जब ऑब्जेक्ट सी पर पहुंचा तो टाइम 1 और 1 2 सेकंड पार कर गया और डिस्टेंस 10 और 10 20 मीटर ट्रेवल कर लिया। जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंचा तो डिस्टेंस 10 + 10 = 20 और टाइम 1 + 1 = 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड जब हुआ तो इसका हो जाएगा 20। उसी तरीके से देखिए, जब ऑब्जेक्ट डी पर पहुंचा तो टाइम 3 सेकंड पार किया और डिस्टेंस इसका 30 मीटर पार किया, तो 3 पर अगर जाएंगे टाइम तो 30 हमारा हो जाएगा। जब ई पर पहुंचा तो टाइम 4 सेकंड हो गया और हमारा डिस्टेंस 40 मीटर हो गया, ऐसे हो गया। इस तरीके से हम लोग इसका ग्राफ ऐसे बना सकते हैं, ये हम लोग का ग्राफ है। तो अगला ग्राफ हम लोग का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आया, हम लोग को स्ट्रेट लाइन आया, मेकिंग सम एंगल विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाते हुए आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो
तो इस तरीके से अगर हम उस ग्राफ को, वो तो मैंने बनाया, लेकिन आप डायरेक्ट ग्राफ ऐसे देखिए, ये हो गया हम लोग का डिस्टेंस, ये हम लोग का हो गया टाइम, और ग्राफ हम लोग का आया ऐसे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये बता रहा है। अब ये जो लाइन है, ये लाइन स्पीड के बारे में बता रहा है। ये जो ग्राफ है, ये इसी को ग्राफ कहते हैं, ये लाइन को ही ग्राफ कहा जाता है। ये ग्राफ हम लोग को डिस्टेंस स्पीड के बारे में बता रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब कैसे स्पीड निकालेंगे उसकी भी एक बात देख ली। तो स्पीड का सबसे पहले जो स्पीड यहां पर आएगा, ये कैसे पता चलेगा? तो डिस्टेंस बटे टाइम स्पीड कहलाता है। जब भी वाई एक्सिस के फिजिकल क्वांटिटी को एक्स से आप डिवाइड करना कर रहे हैं, तो आपको स्लोप निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा स्लोप, तभी ये फिजिकल क्वांटिटी आपको आएगी। क्योंकि डिस्टेंस बटे टाइम होता है, और जब ये डिवीजन होगा तो आपको स्लोप निकालना है। अब स्लोप आपके लिए एक नया टर्म होगा। अब स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी वाई में क्या चेंज हो रहा है और एक्स में क्या चेंज हो रहा है आप निकाल ले। यहां पर हम लोग देख सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना होगा आपको कि आप इसमें कोई दो पॉइंट ले जाए, हम एक पॉइंट ए ले लेते हैं और एक पॉइंट ए ले लेते हैं। अब देखिए, इन दोनों पॉइंट से पहले आप एक्स एक्सिस पर आइए, देखिए इन दोनों पॉइंट से आप वाई एक्सिस पर जाइए, ये देखिए ऐसे। तो डेल्टा वाई यानी वाई टू माइनस वाई वन, डेल्टा एक्स का मतलब हुआ एक्स टू माइनस एक्स वन, डेल्टा वाई का मतलब होता है वाई टू माइनस वाई वन, डेल्टा एक्स का मतलब होता है एक्स टू माइनस एक्स वन। इसको बढ़िया से देखें, क्योंकि ग्राफ कभी भी आएगा स्लोप निकालने के लिए, तो इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे और बहुत से ग्राफ आने वाले हैं इस क्लास में। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इधर लिखते हैं। अब इस पॉइंट को वन मान ले और इस पॉइंट को टू मान ले, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऐसे जा रही है। तो वाई टू का वैल्यू कितना हो गया 30, माइनस वाई वन का वैल्यू कितना हो गया 10, और यूनिट का इसका है मीटर, बाई एक्स टू का वैल्यू आपको 3 है, वाई टू का वैल्यू कितना आपको हो गया 1, इसको क्या कहेंगे सेकंड। तो 20/2 मीटर पर सेकंड, काट दीजिए 10 आ गया, यानी 10 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड हो गया। इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड हम लोग ग्राफ से निकाल सकते हैं, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ आपका दिया हुआ है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो हम लोग इससे स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इसमें क्या करना है, दो पॉइंट ले लेना है, दोनों पॉइंट से एक्स पर भी जाना है वाई पर भी जाना है। इस प्रकार से x1 x2 y1 y2 आपको मिल जाता है और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए एक चीज यहाँ से भी आप देख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्पीड का ही तो यूनिट है, यानी आपका स्पीड ही तो निकला है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं वो क्वेश्चन ऐसे है कि व्हाट इज represented by, what is represented by the slope of distance time graph? Distance time graph के slope से क्या निकालते हैं, distance versus time graph। तो इसका answer बहुत speed है, distance बटे time speed होता है, यानी हम लोग speed निकालते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि कभी भी डिवाइड करके अगर निकलता है, देखिए अगर एक ग्राफ है, यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ टाइम है, एक डिवाइड करके आता है डिस्टेंस बटे टाइम, तो डिवाइड करके जो भी आएगा तो उसको हम लोग स्लोप कहते हैं, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको स्पीड बताता है। ठीक है, अब एक ग्राफ मैं दे रहा हूँ आपको, जैसे एक ग्राफ ऐसे है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक ग्राफ ऐसे बनाया मैंने, एक दूसरा ग्राफ है हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक ग्राफ ऐसे है, एक हमने ऐसे बनाया डिस्टेंस टाइम ग्राफ,
ए ग्राफ ऐसे है, इन तीनों ग्राफ में क्या फर्क है? बात तो तीनों में वही होती है। हाँ, सिंपल सा मिलेगा कि एक ग्राफ इसमें ऑब्जेक्ट ऑरिजिन पर प्रेजेंट है, यानी जहां पर से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट वहीं पर प्रेजेंट है। इसका मतलब कि जहां से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे खड़ी है और उसके आगे उभरेगी, इसका मतलब ये हुआ। ये हम यहां पर खड़े हैं लेकिन ऑब्जेक्ट हमसे कुछ दूरी पर खड़ी है, और इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट हमारी दूरी पर खड़ी है लेकिन टाइम बढ़ने के साथ उसका डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। अब देखो, इस टाइम से आप यहां जाओ ऐसे गए, यहां से जाओगे डिस्टेंस ये आया, इस टाइम से आप यहां जाओ डिस्टेंस देखो वहीं पर ऑब्जेक्ट है, फिर वहां जाओ डिस्टेंस वहीं पर है, यानी टाइम तो बढ़ रही है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रही। देखिए, टाइम हम बार बार ऐसे बढ़ रहे हैं लेकिन हर बार ग्राफ से जब वहीं पर जाते हैं तो हम वहीं का वहीं पहुंच जाते हैं, यानी हमारा डिस्टेंस नहीं बढ़ता है। अब आप ही बताइए कि टाइम बढ़ रहा हो और डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा हो तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्टेंस तो आपका जीरो है, चेंज इन टाइम आपका कुछ भी रहेगा, जीरो को किसी भी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका मतलब कि स्पीड जीरो है, इस ग्राफ का मतलब स्पीड जीरो, और स्पीड जीरो कोई गाड़ी में स्पीड नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो गाड़ी खड़ी है, रेस्ट में है। इसका मतलब क्या हुआ? रेस्ट। ये ग्राफ किसका हो गया? रेस्ट का ग्राफ हो गया, और ये दोनों ग्राफ मोशन का है। अब अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आती है तो इसको यूनिफॉर्म कहते हैं, ये भी याद रखें, कभी भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आती है तो इसको यूनिफॉर्म कहा जाएगा, और चूंकि ये डिस्टेंस बटे टाइम स्पीड है तो ये ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ हो गया। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब अगली बात हम बताते हैं आप लोग को। अब देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड के ग्राफ में ही हम लोग कुछ और बातें देखना चाहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड में और आगे क्या कर सकते हैं। तो जैसे ऐसे देखिए, अब मान लेते हैं आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर है डिस्टेंस, यहाँ पर है टाइम, एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रही है, ऑब्जेक्ट ए ऐसे जा रही है, ऑब्जेक्ट बी ऐसे जा रही है। तो आपसे पूछेगा, ऑब्जेक्ट ए ऐसे नहीं जा रही है, ये तो ग्राफ है, या तो कहीं रोड पर ही होगी, एक ग्राफ है ए और बी का। अब इसमें आपसे पूछा है कि विच स्पीड इज ग्रेटर, ए और बी। अब सवाल तो वही पर है कि सर आपने तो डाटा ही नहीं कुछ दिया, अभी कैसे बताया जाए कि किसका ग्राफ स्पीड ज्यादा होगा? तो देखिए, आपको एक और चीज बताते हैं, ये एंगल देखिए, ये एंगल को अल्फा मान लेते हैं और इस एंगल को बीटा मान लेते हैं, तो निश्चित रूप से एंगल बीटा इज द ग्रेटर देन एंगल अल्फा है। जब ग्राफ में कोई डाटा ना दिया हो तो आप उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना हुआ है आप उसके बारे में चित देखें, तो ए का एंगल ए है, ए अल्फा है, और बी का एंगल बीटा है, और बीटा एंगल बड़ा है अल्फा से, दिखने से पता चल रहा है। तो जब एंगल बड़ा होता है तो उसका स्लोप भी बड़ा होता है, यानी हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। अगर स्लोप ऑफ बी बड़ा है तो स्लोप तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का तो स्लोप स्पीड बताता है, यानी स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया, हमारे पास तो डाटा नहीं है फिर भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो स्लोप ए एंगल से भी रिप्रेजेंट होता है, जिसके बारे में आगे चर्चा 11 में होगी, यहाँ पर तो नहीं है लेकिन आप केवल इतना याद रखें। ठीक है, तो इस प्रकार से यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में हम चर्चा किए। अब अगला टॉपिक हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, हम लोग दूसरा टाइप का स्पीड पढ़ेंगे, इसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल स्पीड। ठीक है, देखते हैं। जैसा पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था
अभी भी हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे, जैसे मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलकर यहाँ जाता है। अब मान लेते हैं कि ए से जब ऑब्जेक्ट बी पर गया तो ये 2 मीटर गया और इसको 1 सेकंड टाइम लगा। जब ऑब्जेक्ट बी से सी पर गया तो मान लेते हैं कि 10 मीटर गया और 10 मीटर गया और ऑब्जेक्ट को यहाँ भी 1 सेकंड ही लगा। जब ऑब्जेक्ट सी से डी पर गया तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि हमारा 15 मीटर है और यहाँ भी 1 सेकंड ही लगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल तो हम लोग का 1-1 सेकंड है, टाइम इंटरवल तो यहाँ भी इक्वल है, लेकिन ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस नहीं जा रहा। यहाँ 2 मीटर, यहाँ 10 मीटर, यहाँ 15 मीटर, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट, टाइम इंटरवल हमने इक्वल रखा। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो इसको नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। तो कह सकते हैं, डिफरेंशियल लिख सकते हैं कि इफ द बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन ईच इक्वल टाइम इंटरवल देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन ईच इक्वल टाइम इंटरवल देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसका ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं। तो फिर हमको वैसे ही लेना है, एक्सिस लेना है, पहले ओ एक्स एंड वाई एक्सिस। ये आपका 1, 2, 3 सेकंड हो गया। यहाँ पर 10, 20, 30, 40 ये मीटर में हो गया, ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए, जब टाइम 0 है तो ऑब्जेक्ट तो 0 पर है, यानी यहाँ पर। जब टाइम 1 सेकंड हुआ तो ऑब्जेक्ट 2 मीटर, यानी ऑब्जेक्ट तो यही रहेगा, इससे थोड़ा ही ऊपर होगा 2 मीटर के सामने। जब टाइम 2 सेकंड हो गया तो 10 r 2 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया ऑब्जेक्ट ने। देखिए 10 + 2 12 का ट्रेवल किया, तो जब 2 पर है तो 12 यहाँ आएगा, सामने यहाँ पर आएगा लगभग 10 से थोड़ा ऊपर। जब टाइम 3 सेकंड हुआ तो 12 और 15 कितना होता है 27, यानी 3 सेकंड पर ऑब्जेक्ट 27 पर है, यानी ये 30 से थोड़ा नीचे हो जाएगा। गुड, ये पॉइंट आ जाएगा। अब ग्राफ बनाइए, तो सबको मिलाने से ग्राफ लगभग इस टाइप का ग्राफ आपको आएगा। पिछले ग्राफ से ये बहुत अलग है, पिछले में ग्राफ हमको स्ट्रेट आया था, सीधा आया था, लेकिन इसमें ग्राफ हमारा कर्व्ड आ गया, टेढ़ा आ गया। तो कभी भी ग्राफ अगर कर्व होता है तो इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बताता है। तो पहली बात तो ये है कि डिस्टेंस है और यह टाइम है। अब यहां देखिए, ये ग्राफ कर्व है तो इसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। कभी भी ग्राफ कर्व आएगा तो नॉन यूनिफॉर्म। और डिस्टेंस बटे टाइम क्या होता है, स्पीड। यानी ये ग्राफ, ये लाइन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में एक्सप्लेन करती है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती है ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से, हालांकि इससे कोई न्यूमेरिकल क्लास 9 में नहीं पूछा जाता है, खासतौर पर यूनिफॉर्म से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल 11 में आएगा। एक और बात है, देखिए इसी चीज को, इसी बात को एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। जैसे मान ले, किसी किसी बुक में लिखा रहता है या कोई टीचर बताते भी हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रही है। मान लेते हैं कि पहले 10 मीटर जाने में इसको 5 सेकंड लगा, फिर अगले 10 मीटर जाने में इसको 3 सेकंड लगा, फिर अगले 10 मीटर जाने में मान लेते हैं कि इसको 1 सेकंड ही लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वल डिस्टेंस पर ट्रेवल कर रहा ऑब्जेक्ट बट अनइक्वल टाइम इंटरवल, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। इसका भी ग्राफ बनाएंगे तो अभी जो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ बनाकर कर्व बनाया था मैंने, उसी प्रकार का ग्राफ इसका भी आएगा। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल टाइम डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करे
तो अभी हम लोग उसको कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म एस्पेक्ट है। तो इसका भी डिफिनेशन होगा कि इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल देन इट इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म एस्पेक्ट। तो इस तरीके से हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एस्पेक्ट के बारे में चर्चा किया और यूनिफॉर्म एस्पेक्ट का ग्राफ कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसा होता है ये बताया। यूनिफॉर्म स्पीड में हम यूनिफॉर्म स्पीड के ग्राफ से स्पीड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने इसका भी चर्चा किया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक तीसरा जो हम लोग के पास पढ़ना है वो पढ़ना है एवरेज स्पीड। तीसरा हम लोग को पढ़ना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज के बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं कि टोटल बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो लिख सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू टोटल टाइम taken during the journey, यानी पूरी जर्नी के दरमियान जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है और जो टाइम टोटल लगती है, यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। इसमें कुछ और हम लोग को नहीं पढ़ना है। और चौथा जो हम लोग को पढ़ना था वो है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। कहने का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट, हमने अभी तक पढ़ा ये बात पढ़ा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है तो टाइम इंटरवल में क्या है उसका डिस्टेंस होगा, क्या स्पीड होगा, ये सब बात हमने किया। लेकिन अब हमसे कोई पूछे कि गाड़ी चल रही है, आप बताइए कि 10 बजे गाड़ी का स्पीड कितना होगा, तो वो तो एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हमसे पूछ रहा है। जबकि स्पीड के फॉर्मूला में मैंने आपको बताया था टाइम के बारे में कि वहाँ टाइम इंटरवल होता है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम के कॉन्सेप्ट को हम मान लें तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगा। तो इसका पहले तो डिफिनेशन है कि स्पीड ऑफ ए बॉडी एट द पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड